यो कम, ये देखिए ये मेरे ऐसे ही पीछे पीछे रहता है। मैं जो भी काम करती हूँ ना, ये ऐसे आता है। इसको मैं बस दिखनी चाहिए, और मेरे आवाज़ सुन के कभी कभी मुझे ऐसे देख के ही ऐसे वो ये मुझे पहचान जाता है, ये मैं ही हूँ। बिल्कुल बच्चे की तरह है मेरे। वैसे मैं बता दूँ, मैंने अभी तक बच्चा प्लान नहीं किया। 2 साल हो गए मेरी शादी को। पहले मैं काम पे जाती थी, फिर मैंने 1.5 साल काम करके न्यूज़ चैनल के लिए काम करती थी मैं गोवा में, तो फिर मैंने छोड़ दिया बाद में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा नहीं था, मतलब ज़्यादा पे नहीं था वहाँ पे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैं शुरू से थी वहाँ पे, बहुत मेहनत ली है, लेकिन उतना उस हिसाब से पे नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया वहाँ पे काम। क्योंकि घर में सासू माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी, जब वो ठीक थी तब उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की थी, मतलब घर का काम मैं ज़्यादा करती नहीं थी, वो बोलती थी तुम काम पे ध्यान दो, तो फिर उस वक्त उन्होंने बहुत हेल्प की थी। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि ऑप्शन नहीं था, उनको कौन देखेगा, काम पे रखा था किसी को घर में, वो हेल्प करने आ जाती थी घर का, लेकिन वो ज़्यादा देर तो नहीं रह पाते, उसका भी घर है, एक बेटा, उसका भी तो घर है ना। तो फिर मैंने क्या सोचा, काम पे ना मुझे अच्छा खासा पे मिल रहा है, ना ही घर को देने के लिए वक्त मिल रहा है, सो दोनों में से एक तो मिलना चाहिए देने को, या तो पैसा या तो वक्त, क्योंकि पैसा देके किसी को रख तो सकते हैं हम, मतलब काम नहीं जाना चाहिए इसलिए, क्योंकि कुछ देर के लिए कोई सीख पड़ता है तो काम थोड़ी छोड़ते हैं। लेकिन ये ऐसा था कि काम छोड़ना मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ना पे मिल रहा था, उसमें तो मेरी भी तबीयत खराब होने लगी थी, तो घर का, घर से काम करना, घर का भी काम करना, ये ऑप्शन मुझे सही लगा था उस वक्त। तो फिर मैंने काम छोड़ दिया, और भगवान की देन से मुझे जल्दी ही ऑनलाइन काम मिल गया घर से, मतलब मैं घर से काम कर रही थी, अब तक कर सकती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा ब्रेक लिया है, क्योंकि मैं ज़्यादा देर एक जगह पे बैठ के काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे कमर में बहुत दर्द रहता है, जैसे कि मैंने बताया है, ये बहुत भर गया है। मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ अभी से, आज ज़्यादा करी नहीं बनानी थी मुझे, लेकिन ये ज़्यादा हो गया आज, क्योंकि पति भी खाने पर नहीं आ रहे हैं, वो ऑफिस गए तो बाहर ही खाएंगे आज। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मेरे कमर में भी दर्द रहता है, तो फिर मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, ये बस कुकिंग का करती हूँ, बाकी का वक्त मैं ये वीडियोज़ बनाती हूँ। वैसे मैं काम करते करते भी वीडियोज़ बनाती हूँ, शॉर्ट्स भी बनाती हूँ, तो ऐसा मेरा वक्त जाता है, और बाकी का इवनिंग का काम, काम कभी ख़त्म नहीं होते वैसे बताने जाओ तो। अभी इसे मिक्सी में डाल दिया मैंने, तो फिर हम करी बनाने की तैयारी करते हैं। वैसे मैं अपनी स्टोरी कभी बता दूंगी, मतलब कैसे काम है, काम से घर, घर से काम, मैंने लाइफ ये इंजॉय ही नहीं किए हैं। मेरी शादी, मतलब जैसे मैं काम पे, न्यूज़ चैनल पे काम पे थी, तब 1 महीने के अंदर मेरी शादी हो गई थी, और विद इन 5 to 6 days में ज्वाइन हो गई थी काम पर, मैंने ज़्यादा देर हॉलीडेज भी नहीं ली थी, मतलब इतनी इतना डेडिकेशन होने के बाद भी वो, मतलब जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन हमारे बाद जो ज्वाइन हुए थे उनकी पेमेंट हमसे अच्छी थी, तो इसलिए थोड़ा सा वो होता है ना कि क्यों हम बस चुप रहते हैं, इसलिए हमारे साथ ये नाइंसाफी की होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चुप रहता है, इसका मतलब ये नहीं मांगेगी, नहीं मांगेगी, ये नहीं छोड़ेगी, इसको अच्छा लगता है यहाँ पे, ये इतना काम करती है, इसको पसंद आने लगा है, ये बिना पे के भी काम कर देगी, ऐसा हो जाता है, मैं टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। तो फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट ही एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे ना कोई पे बढ़ा के होता था, बस इतना आता था कि 1 साल बढ़ा के दे रहे हैं, लेकिन कितना क्या ये नहीं बताते, एक बार साइन किया तो उसके बाद वो चेंज नहीं होता, वो उनकी मर्जी से वो बढ़ाते थे, ऐसा नहीं होता है ना। हम इतनी एक एक घंटा ट्रैवल करके जाते हैं, खुद की गाड़ी, गाड़ी तक कभी कभी सर्विसिंग करने को नहीं मिलती थी, इतना वक्त नहीं मिलता था, मेरी गाड़ी भी, मैं एक बार तो रात के 11 बजे सुनसान, जहाँ पे ज़्यादा डर लगता था वहीं पर बंद पड़ी थी मैं, तब मुझे बहुत डांट पड़ी थी कि तुम क्यों,
सेकेंड शिफ्ट लेती हूँ मैं, ज़्यादातर सेकेंड शिफ्ट ही लेती थी क्योंकि बाकी की लड़कियाँ बस में आती थी तो फिर अच्छा नहीं लगता था, हम दूसरों का भी सोचते थे। लेकिन एट लास्ट लास्ट में हमारी ही किसी ने नहीं सोचा, हमारा ही किसी ने नहीं सोचा। और ये भी था कि ज़्यादा ऑफ क्यों लेना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, इससे अच्छा है कि मैं छोड़ ही दूँ काम। कौन बहस करेगा, किसको चाहिए बहस करना? अगर उनको अगर सोच में नहीं आता है, उनको अगर किसी की परवाह नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं दूसरी जगह काम ढूंढने का? अभी थोड़े से वक्त में मैं दूसरी जगह काम पे चली जाऊंगी क्योंकि अभी उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक है, मतलब वो थोड़ा थोड़ा हेल्प करने लगे हैं, लेकिन मैं पूरा उन पे ही नहीं छोड़ सकती हूँ काम, क्योंकि वापस अगर उनकी तबीयत ठीक हो गई तो वापस से छुट्टियाँ लेनी पड़ेगी। इसलिए अभी तक मैं थोड़ा सा ज्वाइन नहीं हुई, कहीं पे बाहर ऑफर थी लेकिन अभी तक नहीं लिया है, उसकी तैयारियां भी कर रही हूँ मैं, देखती हूँ आगे कैसा क्या।